मनारा चोपड़ा के मन में मुनावर फारूकी के लिए काफी बातें चल रही हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मनारा कन्फ्रंट नहीं करती है, जो भी बात बोलना है वो डायरेक्टली मुन्ना को नहीं बोलती है, वो इधर उधर बोलती है। अगर मनारा को ऐसा लगता है कि मुनावर स्टैंड नहीं लेते हैं, मुनावर ओपिनियन नहीं देते हैं, तो वो मुनावर को मुंह पे क्यों नहीं बोलती है। ये चीज आपने कई बार सुनी है कि मनारा बोलती रहती है कि मुनावर स्टैंड नहीं लेते हैं। अब एक बार फिर से जब ये बात छिड़ती है, नील कहते हैं कि जब रूम शिफ्ट होते हैं, रूम चेंज होते हैं, तो ओपिनियन माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, जिसमें मनारा का ये कहना है कि अपने रूम में मुनावर ओपिनियन देता था, लेकिन यहाँ पर कोई ओपिनियन नहीं देता है। इनफैक्ट अभिषेक स्टैंड लेता है, अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ अभिषेक स्टैंड लेता है। जिसके बाद नील भट्ट ये कहते हैं कि मुझे अभिषेक ना इशारे में बता रहा था कि अभी जो है ना मेरी बन नहीं रही है, मेरे खिलाफ हो चुके हैं मुनावर, अंकिता और विक्की, ये लोग एक साथ हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की बातें चल रही हैं कि मुनावर जो है ना स्टैंड नहीं लेता है, उसका कोई ओपिनियन नहीं है, स्पेशली अब दिल वाले कमरे में आ चुका है तो कोई ओपिनियन दे ही नहीं रहा है, अभिषेक उससे ज्यादा ओपिनियन देता है। यार आपका इस पर क्या कहना है, क्या आपको ऐसा लगता है एपिसोड देख करके या फिर लाइव फीड देख करके, आप मनारा की बातों से कितना सहमत है, जरूर बताइएगा। थैंक यू।